देश में 2024 के आम चुनावों को लेकर सियासी बुगुल बजा हुआ है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सबके अपने अपने मुद्दे हैं, लेकिन यहाँ जिसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है वो है पसमांदा मुस्लिम, जिस पर आज से नहीं बल्कि कई सालों से बीजेपी की नजर थी। कभी पीएम मोदी इनसे मिलकर इनके हित की बात करते हैं, तो कभी यूपी में इस समुदाय को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। दरअसल मुस्लिम आबादी को वोट बैंक मानकर राजनीति करने वाले दलों को भाजपा की ताजा पहल ने आगाह कर दिया है कि अल्पसंख्यक वोटों पर किसी दल विशेष का एकाधिकार स्थायी नहीं हो सकता है। केंद्र सरकार की ओर से पहले ही पिछड़े मुसलमानों के उन्नयन के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो दूसरी तरफ पसमांदा समुदाय से तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर भाजपा ने आगे की रणनीति का संकेत दे दिया। लोकसभा की 80 सीटों वाले यूपी में भाजपा पसमांदा स्नेह संवाद यात्रा भी निकाल रही है, जिससे दूसरे दलों की बेचैनी बढ़ना लाजमी है। भाजपा की योजना अगर कारगर हुई तो वोट बैंक का पासा पलट भी सकता है। देश में जून 2023 तक मुसलमानों की कुल आबादी 19.75 करोड़ बताई गई है, जो देश की कुल वर्तमान जनसंख्या का लगभग 14.2% है। रिपोर्ट ये भी है कि इतनी बड़ी आबादी का 85% भाग पिछड़ा है, जिसे पसमांदा मुस्लिम कहा जाता है। माना जाता है कि अल्पसंख्यकों के नाम पर लागू योजनाओं का लाभ अभी तक सिर्फ अगड़े मुसलमानों के हिस्से में ही पहुंच रहा था और पसमांदा को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। चुनावी राजनीति में किसी समुदाय की इतनी बड़ी संख्या मायने रखती है। पीएम मोदी ने इस मर्म को समझा और पसमांदा राजनीति को चर्चा के केंद्र में ला दिया। उन्होंने पिछले साल जुलाई में हैदराबाद में और इस साल जनवरी में दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मुस्लिम समुदाय के पढ़े लिखे और पसमांदा लोगों तक केंद्र सरकार की नीतियों और कार्यों को पहुंचाने का आग्रह किया। उसके बाद भाजपा के स्तर से विभिन्न प्रदेशों में अमल भी शुरू हो गए हैं। भाजपा नेतृत्व को केंद्र सरकार की योजनाओं का भी फायदा मिलने की उम्मीद है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने पिछड़े मुसलमानों की नई पीढ़ी को प्रभावित करने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही हैं। नया सवेरा योजना के तहत तकनीकी और व्यवसायिक संस्थानों में नामांकन और समूह क ख ग की सेवाओं की तैयारियों के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था भी की गई है। अब ऐसे में देखना होगा कि भाजपा की ये जो गुणागणित है वो कितना लाभ भाजपा को दिला सकती है 2024 के आम चुनाव में। लेकिन सवाल ये है कि जिस मुस्लिम पर लगातार विपक्ष राजनीति करता आया है, अगर वो पासा पलटता है तो पलड़ा किसका भारी होगा।